हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित सप्ताह तेईस कक्षा तीन की वर्कशीट आज का उपविश्य है बच्चों पैटर्न के खेल तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए पहला प्रश्न है बच्चों पैटर्न पूरा कीजिए तो देखिए बच्चों ये पैटर्न हमें पूरा करना है ये इधर है फिर ये इधर ये इधर ये इधर अब बच्चों इस तरफ बनाएंगे हम और फिर इस तरफ बनाएंगे तो इस तरह से ये पैटर्न पूरा करना है अगला देखिए बच्चों सूरज यहाँ है चांद यहाँ है फिर चांद ऊपर सूरज नीचे फिर सूरज ऊपर चांद नीचे फिर चाँद ऊपर सूरज नीचे फिर से सूरज ऊपर आएगा और चांद नीचे आ जाएगा अब बच्चों चाँद ऊपर चले जाएगा अगले पैटर्न में और सूरज नीचे आ जाएगा ठीक है बच्चों अगला देखिए बच्चों इसमें एक तारा इसमें दो तारा फिर एक तारा फिर दो तारा फिर एक तारा और फिर से दो तारा ठीक है बच्चों अब ये अगला देखिए इसमें खुशी की इमोजी इसमें उदास खुशी उदास तो फिर से यहाँ पे आएगी बच्चों खुशी की इमोजी और यहाँ आएगी उदास की इमोजी ठीक है बच्चों इस तरह से आप सभी को ये पैटर्न पूरा करना है अगला है बढ़ते क्रम में पैटर्न पूरा कीजिए देखिए एक पत्ती दो पत्ती तीन पत्ती बढ़ते क्रम में करेंगे एक दो तीन चार ठीक है अगले में करेंगे एक दो तीन चार और पाँच अगले में करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ इसी तरह एक तारा दो तारा तीन तारा ठीक है तब यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों तीन के बाद में यहाँ हो जाएंगे चार ठीक है बच्चों इस तरह से यहाँ हो जाएंगे पाँच और यहाँ हो जाएंगे बढ़ते क्रम में हमें पैटर्न पूरा करना है अब यहाँ दो यहाँ चार ये छः अब यहाँ पे आठ हो जाएगा ठीक है अब यहाँ दस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब यहाँ बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इसमें एक इसमें तीन इसमें पाँच अब इसमें सात ठीक है बच्चों एक दो तीन चार पाँच छः सात इसमें आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ फिर इसमें ग्यारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह ठीक है बच्चों तो इस तरह से बढ़ते क्रम में हमें इसे पूरा करना है अगला प्रश्न है निम्न संख्या पैटर्न को पूरा करें तीन छः नौ बारह बच्चों तीन तीन का हमने इसमें जोड़ किया अगला पंद्रह अठारह इक्कीस ग्यारह बाईस तैतीस चौवालीस तो बच्चों दस दस इसमें हमने जोड़ा तो अगला है पचपन छियासठ और सतहत्तर दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर एक तीन सात तेरह तो देखिए बच्चों दो चार छः अब आठ तो यहाँ आ जाएगा इक्कीस फिर इसमें दस जोड़ेंगे इकतीस फिर इसमें जोड़ेंगे बारह तो कितना हो जाएगा तिलिस पाँच दस पंद्रह बीस बच्चों पाँच पाँच हमने जोड़ा तो पच्चीस तीस और पैंतीस इक्कीस इकतालीस इकसठ इक्यासी एक सौ एक सौ इक्कीस एक सौ इकतालीस अगला है बच्चों अपनी पसंद के पैटर्न बनाएं तो बच्चों आप सभी अपनी पसंद के पैटर्न बनाएंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप इस तरह के कुछ पैटर्न बना सकते हैं इस तरह से ठीक है बच्चों ये हैप्पी फेस खुशी वाला और ये उदास फेस अगला जैसे हमने ये एरो वाला बना दिया ठीक है अब अगला जैसे कि हमने बिंदु वाले बना दिए ठीक है बच्चों? इसके बाद अगला हमने एक पैटर्न और बना दिया जैसे कि ए बी ए ए बी बी ए और बी इस तरह का बच्चों कुछ पैटर्न हमने बनाए यहाँ पे ठीक है अगला है जीवन कौशल पिकनिक की योजना छुट्टी के दिन पिकनिक पर हम शानदार भोजन खा सकते हैं चाहे आप बगीचे में हो पार्क में हो या अपने इलाके में हो स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजक गतिविधियों के साथ आप आसानी से एक शानदार पिकनिक की योजना बना सकते हैं आप अपने चार अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बना रहे हैं जो खाने पीने की जरूरत होगी वह सब आपने आपस में बांट लिया नीचे दी गई तालिका को देखे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें पिकनिक की तिथि जैसे बच्चों हमने यहाँ हम माना दस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस पिकनिक का समय होगा बच्चों सुबह ग्यारह बजे ठीक है वस्तु का नाम और वस्तु की कीमत है फ्रूट चाट तीस रुपये सैंडविच बीस रुपये चॉकलेट दस रुपये ब्रेड जैम पंद्रह और फ्राइड चावल पच्चीस रुपये राहुल पाँच सैंडविच लाएगा तो बच्चों एक सैंडविच की कीमत है बीस रुपये तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे सौ रुपये मनीष चार ब्रेड जैम लाएगा तो बच्चों एक की कीमत है पंद्रह चार की कितनी होगी साठ रुपये रवि चार चॉकलेट लाएगा तो बच्चों एक चॉकलेट की कीमत है दस रुपये चार की होगी चालीस रुपये मोहन चार प्लेट फ्रूट चाट लाएगा तो बच्चों एक फ्रूट चाट की कीमत है तीस रुपये चार की होंगी एक सौ बीस रुपये आप चार प्लेट फ्राइड चावल लाएंगे तो बच्चों एक की है पच्चीस रुपये चार की कीमत होगी सौ रुपये ठीक है बच्चों तो पिकनिक की कुल लागत कितनी होगी तो बच्चों हम इन सभी को जोड़ेंगे सौ प्लस साठ प्लस चालीस प्लस एक सौ बीस प्लस सौ तो कुल रुपए कितने होंगे चार सौ बीस सबसे ज़्यादा खर्च किसने किए तो सबसे ज़्यादा खर्च मोहन ने किए कितने किए बच्चों एक सौ बीस रुपये और सबसे कम खर्च किसने किए रवि ने कितने किए बच्चों चालीस रुपये अगला है सैंडविच और चॉकलेट की कीमत में कितना अंतर है तो बच्चों देखिए सैंडविच हमारी बीस की है चॉकलेट हमारी दस की है तो रुपए दस रुपए का इनमें अंतर है ठीक है अगला है संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सफलता की कुंजी बाधाओं पर नहीं लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है खाना पीना अपने परिवार के साथ अंकुरित सलाद खाएं गतिविधि अपनी माँ के लिए एक अंकुरित सैंडविच बनाएं खेल आंख मिचोली का खेल बच्चों आप सभी को खेलना है दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर शेयर करें लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए वीडियो की सहायता से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव नाइस डे स्टूडेंट्स